बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ये मुकाबला 14 जून को शुरू हुआ और 17 जून को इस मुकाबले की अंतिम गेंद फेंकी गई। ये मुकाबला बांग्लादेश ने ऐतिहासिक रूप से अपने नाम किया, जहां बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 546 रनों से शिकस्त देते हुए इस मैच को अपने नाम किया। साथ ही साथ 21वीं सदी की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। लेकिन इस मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद अफगानिस्तान के फैंस ज़रूर डर गए होंगे। दरअसल में जब शुक्रवार यानी कि इस मुकाबले के तीसरे दिन अफगानिस्तान की बैटिंग थी, उस दौरान उनके कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी बल्लेबाजी कर रहे थे। हशमतुल्ला शाहिदी 13 रनों पर बैटिंग कर रहे थे, तभी उनके सर पर आकर गेंद लगी जिसकी वजह से बल्लेबाज जमीन पर गिर गए। तस्कीन अहमद की खतरनाक बाउंसर का अफगानिस्तानी कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी सामना नहीं कर पाए और गेंद लगने की वजह से बल्लेबाज धरती पर ढेर नजर आए। आपको बता दें कि हशमतुल्ला शाहिदी बाल बाल बचे, क्योंकि गेंद उनके हेलमेट के निचले हिस्से पर लगी थी। अगर गेंद कहीं इधर उधर लग जाती तो शायद हशमतुल्ला को गंभीर चोट भी लग सकती थी। हालांकि इसके बाद फिजियो पिच पर आए और उन्होंने हशमतुल्ला को देखा, जिसके बाद दोनों के बीच चर्चा हुई और उसके बाद हशमतुल्ला शाहिदी को मैदान छोड़ना पड़ा। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि शनिवार के दिन हशमतुल्ला बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरी अफगानिस्तान की टीम मात्र 115 रनों पर ही ढेर हो गई। अफगानिस्तान की टेस्ट क्रिकेट का ये काला दिन कह सकते हैं, क्योंकि इस देश ने अभी नया नया टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया है। ऐसे में इन्हें 546 रनों की हार हमेशा हमेशा याद रहेगी। आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी जीत है। वहीं 21वीं सदी में ये टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।